हवे बात करिए विस्तृत समाचार की, तो हजू पांच दिवस राज्य में ठंडीनु जोर रहेशे। ठंडी ने लईने हवामान विभागे मोटी आगाही करी छे। कच्छ में बे दिवस कोल्डवेव की आगाही करवामां आवी, बे दिवस बाद ठंडी थी आंशिक राहत मळशे। आगामी एक दिवस ठंडी वधशे, बाद में ठंडी सामान्य घटवानी शक्यता छे। भूज कच्छ डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेल हुआ है। इवन आपका कोल्ड वेव रिपोर्ट हुआ है, पोरबंदर राजकोट में भी रिपोर्ट हुआ है और कहीं जगह में कोल्ड वेव रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे काफी सारे जगहों में टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस गया है। अभी जैसे गुजरात में जनवरी में टेम्परेचर डाउन जाता है, इवन नॉर्मल भी काफी कम है, इसलिए कोल्ड वेव ज्यादा जगहों में नहीं है, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे गया है। जैसे पूरे नॉर्थ गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, दिशा, ये सारे 10 डिग्री से नीचे गया है और पोरबंदर, राजकोट, महुआ, इवन केशोद भी 10 डिग्री से कम गया है एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी 10 डिग्री से कम गया। तो ये जो टेम्परेचर फॉल होता है वो बिकॉज ऑफ जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच होता है तभी टेम्परेचर राइज होता है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाती है, पास होने के बाद मोस्टली विंड का दिशा चेंज हो जाती है। विंड का दिशा मोस्टली नॉर्दर्ली हो जाता है, नॉर्दर्ली विंड की वजह से कोल्ड एयर एडवेक्शन होता है। कोल्ड एयर एडवेक्शन की वजह से पूरी गुजरात में टेम्परेचर फॉल होता है, इसी के कारण से टेम्परेचर फॉल हुआ है और अभी अगले 3-4 दिन में अगेन टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगी।